नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। हमारे खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं। देखिए, भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियां तेज है। सदस्यता अभियान से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की शुरुआत जो है होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सक्रिय सदस्यता अभियान की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। सक्रिय सदस्य वे होते हैं जो 100 रुपए देने के बाद 3 वर्ष से सदस्य। ये देखिए, ये सक्रिय सदस्य मिलकर करते हैं नए सदस्यों का सत्यापन। इस तरह से यहाँ पे सत्यापन किया जाता है। जिला इकाई, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय चुनाव। भाजपा के सक्रिय सदस्य को ही चुनाव लड़ने का यहाँ पर अधिकार होता है। अगर वर्ष की बात करें तो 6 वर्ष होती है सामान्य सदस्यता और उसके बाद में नवीनीकरण होता है। 4 अवधि तक सक्रिय सदस्य ही बन सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे जो पूरा प्रोसेस होता है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 15 वर्ष प्राथमिक सदस्य रहना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से सदस्यता यहाँ पे मायने रखती है। उत्तर प्रदेश भाजपा के बदलते हालात। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो स्थिति है वो यहाँ पर बदल रही है। सारी कोशिशों के बावजूद भी आंतरिक लड़ाई यहाँ पर नहीं थम रही है। यहाँ पर हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं जहाँ पर तमाम कोशिशें की जा रही है लेकिन आंतरिक लड़ाई पर विराम नहीं लग रहा है। सूत्रों के अनुसार पहले केशव प्रसाद मौर्य ने साहसपूर्ण बयान दिया था, योगी के नेतृत्व में काम नहीं करने का बयान यहाँ पर दिया गया। और देखिए, अब मुख्यमंत्री योगी ने भी लिया है एक साहसपूर्ण फैसला। उपचुनाव के लिए गठित सुपर 30 टीम में दोनों डिप्टी सीएम को शामिल नहीं करने का फैसला यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया गया है। इस फैसले की जब हम बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि बेहद ही साहसपूर्ण फैसला ये है। और देखिए, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को शामिल नहीं करने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। इसी बीच में अब सीनियर ब्यूरोक्रेसी भी उतरी सरकार के बचाव में। और देखिए, डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, बुलडोजर का इस्तेमाल गरीब के खिलाफ नहीं किया, डीजीपी की तरफ से पोस्ट। और इधर पूर्व मंत्री और भाजपा नेता सुनील भराला ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया है। केशव मौर्य जी का आशय यही रहा होगा कि हार की बड़ी जिम्मेदारी संगठन की है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को अविलंब देना चाहिए इस्तीफा। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा। अब इस प्रकार के कुछ और बयान भी सामने आ सकते हैं। और देखिए, सारे माहौल में राजनीतिक प्रेक्षकों को एक ही आशंका, कहीं यूपी का बैटलफील्ड नहीं बन जाए फ्री फॉर ऑल। राज्यसभा में लंबे समय बाद भाजपा की सीटें 90 से कम। देखिए, राज्यसभा में भाजपा की 86 सीटें 10 नई जीतने की कवायद यहां पर नजर आ रही है। भाजपा और एनडीए के संख्या बल की अगर बात करें तो देखिए, भाजपा और एनडीए के संख्या बल के आधार पर उम्मीद बिहार, महाराष्ट्र, असम से 2-2 सीटें मिलने की यहां पर उम्मीद नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा की करें तो यहां पर 1-1 सीट जीतने का भरोसा है। सरकार की तरफ से 4 सदस्यों का मनोनयन अभी बाकी है और राज्यसभा के 226 सदस्यों में से भाजपा के 86, कांग्रेस के 26 और टीएमसी के 13, इसके अलावा वाईएसआरसीपी के 11 और आप के और द्रमुक के 10-10 और वहीं बीजेपी के 9, बीआरएस, राजद और माकपा के 5-5 सदस्य है। इसके अलावा देखिए, अन्ना द्रमुक, जेडीयू, रांकांपा, सपा के 4-4 सदस्य इसके अंदर शामिल है और फिलहाल राज्यसभा की 19 सीटें यहां पर खाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज लाडनू के दौरे पर रहे। देखिए, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय में विकास कार्यों का उन्होंने शिलान्यास किया। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी भी उनके साथ में मौजूद रहे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता देते हैं। तो दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ मुझे शिलान्यास का अवसर मिला। आचार्य महाश्रमण वर्ष 2026 में यहाँ 1 साल के लिए प्रवास करेंगे। आचार्य तुलसी ने आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना का काम किया है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा, ये समाज के साथ पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। जैन विश्व भारतीय संस्थान के 7 सूत्री मंत्र की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जैन धर्म के संरक्षण का काम कर रही है, इसका लाभ पूरे समाज को मिला। नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र भी किया और कहा कि पीएम मोदी ने नया जीवन दान इसको दिया है। मुख्यमंत्री ने पावन धरा से प्रदेश के विकास और प्रगति की कामना भी यहां पर रखी।
प्रदेश में जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की देते हैं। देखिए एसीबी ईडी के बाद अब प्रकरण में सीबीआई की भी एक्टिवनेस नजर आ रही है। दरअसल पहले इस पूरे मसले के अंदर एसीबी और ईडी जो है पूरा इन्वॉल्वमेंट रखती थी, लेकिन अब सीबीआई भी यहां पर एक्टिव हो गई है। देखिए सीबीआई केस में पूछताछ के लिए समन भेजकर दिल्ली बुलाया है। कई आरोपियों को सीबीआई ने गुरुवार को पूछताछ के लिए यहां पर बुलाया। जो आरोपी जेल में है उनके लिए कोर्ट से परमिशन मांगी गई है। जयपुर एसीबी ने जेजेएम से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों ठेकेदारों के खिलाफ 8 अगस्त 2023 को एक एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर एसीबी के सीआई राजेश राव की ओर से दर्ज यहां पर कराई गई थी। और देखिए एफआईआर में बताया गया था कि 6 अगस्त को एसीबी के पास सूचना आई थी और पीएचडी में टेंडर बिलों के भुगतान पीएचडी अधिकारियों को बुलाया था होटल के अंदर, और ठेकेदार पदम जैन ने अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए होटल के अंदर बुलाया था। और 7 अगस्त को एसीबी ने 2,20,000 रुपए की राशि लेते हुए ट्रैप भी कर लिया था। और देखिए जांच में एसीबी ने 10 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया था। पूरे प्रकरण के अंदर ईडी ने अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारियां यहां पर की है। जयपुर की बात कर लेते हैं, चूंकि जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मिशन टेंडर बात अस्पताल में नियुक्त कार्यवाहक अधीक्षक से जुड़ी। और देखिए 2 महीने पहले अधीक्षक पद पर डॉक्टर सुशील भाटी ने जिम्मा यहां पर संभाला था। 2 महीने पहले जिम्मेदारी ली थी, तब अस्पताल में अधिकांश टेंडर में किसी न किसी तरह की दिक्कतें लगातार सामने आ रही थी। अब आचार संहिता के चलते अधिकांश टेंडर पर एक्सटेंशन की मुहर तो पार्किंग समेत कुछ टेंडर में विवादों का पेच फंसा हुआ है। ऐसे में डॉक्टर भाटी ने हाई लेवल के निर्देश पर एक मिशन टेंडर शुरू कर रखा है और कोशिश ये कि काफी संख्या में चल रही टेंडर को जल्द से जल्द सुव्यवस्थित यहां पर किया जाए। जो टेंडर अभी तक व्यवस्थित नहीं है उनको सुव्यवस्थित किया जाए, ये इसका उद्देश्य नजर आता है। ऐसी समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि एक्सटेंशन जैसी नौबत ही नहीं आए। फिलहाल दवा और इम्प्लांट के लंबे चल रहे टेंडर्स पर विचार भी किया जा रहा है। हालांकि इस कवायद में कई प्रभावशाली तत्व यहाँ पर नजर आ रही हैं। और देखिए अस्पताल में सक्रिय ऐसे में सवाल ये कि सुव्यवस्था के लिए जरूरी टेंडर प्रक्रिया में क्या देखी जाएगी पारदर्शिता, अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि पारदर्शिता यहाँ पर देखी जाएगी या फिर नहीं उसको लेकर यहाँ पर सवाल जो है लगातार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए मरीजों को ऑन बेड सेवा देकर क्राउड मैनेजमेंट की बात यहां पर सामने आ रही है। एसएमएस अस्पताल की हम बात कर रही हैं। एसएमएस अस्पताल का जो भीड़ है उसको कम करने के लिए फिर से एक प्लान जो है वो यहां पर नजर आ रहा है। प्रथम चरण में अस्पताल में 10 वार्ड से पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, यानी कि जो पहला चरण होगा उसके अंदर 10 वार्ड से इस पूरे पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत यहां पर होगी। और देखिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी के निर्देशन में काम जो है चल रहा है। अब देखिए इन वार्ड में सभी सेवाएं मरीजों को ऑन बेड करवाई जाएगी उपलब्ध, लेकिन साथ में वार्ड में अटेंडेंट की संख्या को भी यहां पर सीमित कर दिया जाएगा। विजिटर्स को तय समय पर ही वार्ड में मिलने की अनुमति दी जाएगी, ये भी बदलाव यहां पर नजर आएगा। हालांकि पूर्व में भी अस्पताल प्रशासन इस तरह के प्रयास कर चुका है, पहले भी हमने कई तरह के प्लान देखे हैं, बहुत सी कोशिशें यहां पर देखी है जो अस्पताल प्रशासन के द्वारा अपनाई गई थी, लेकिन एक और कोशिश एक और प्लान यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव और जिम्मेदारी तय नहीं होने से हालात जस के तस रहे, ऐसे में सवाल यहां पर ये क्या मौजूदा प्रबंधन स्थायी तौर पर लागू कर पाएगा ये व्यवस्था, क्योंकि इस व्यवस्था की जो जानकारी है जो बात है वो लगातार सामने रही, लेकिन सवाल भी ये छोड़ रहा है। और सवाल ये कि क्या मौजूदा प्रबंधन स्थायी तौर पर इस पूरे प्लान को व्यवस्थित तरीके से अप्लाई कर पाएगा। देखिए जेडी में सीधी भर्ती की कवायद 2.5 साल में भी अधूरी, सीधी भर्ती के लिए भर्ती नियमों में संशोधन कराया जा रहा है। जीडी के इन नियमों में अथॉरिटी से संशोधन कराया जा रहा है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है। और देखिए अथॉरिटी से सर्कुलेशन के माध्यम से संशोधन यहां पर कराया जा रहा है। भर्ती नियम में कंप्यूटर दक्षता परीक्षा, कर्मचारी चयन बोर्ड से परीक्षा कराने का प्रस्तावित संशोधन, जेडी ने 30 अक्टूबर 2021 को कर्मचारी चयन बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा था। ये प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने देखिए जेडी को प्रस्ताव वापस लौटा दिया था, चूंकि प्रस्ताव भेजा गया लेकिन जेडी की तरफ से देखिए प्रस्ताव जो है वापस लौटा दिया गया। पदों की योग्यता अन्य विभागों के समान करने के लिए लौटा दिया गया था प्रस्ताव, और इसके बाद जेडी ने अपनी भर्ती नियम में संशोधन किया था। और इस वर्ष फरवरी में जेडी ने नए सिरे से बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस पर जेडी को फिर से पत्र भेजा।
पत्र भेजकर भर्ती नियमों में और संशोधन की बताई जरूरत। यानी कि जो पत्र यहाँ पर भेजा उसमें देखिए जो भर्ती नियम है उसमें और संशोधन की आवश्यकता यहाँ पर बताई गई है। इंडिगो की देहरादून दिल्ली फ्लाइट में यात्रियों का रोमांच। देखिए विभाग विमान के कैप्टन की घोषणा से रोमांच हुआ। कैप्टन थे राजीव प्रताप रूडी और जब उन्होंने किया एक रहस्य योद्धाटन की विमान के कैप्टन के साथ साथ वे है बिहार के छपरा संसदीय क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कैप्टन की ये उद्घोषणा सुनकर यात्री काफी ज्यादा रोमांचित हो गए। ये घोषणा जैसे ही यात्रियों ने सुनी तो सभी जो यात्री उस विमान में थे वो बहुत ज्यादा रोमांचित नजर आए और आपको बता भी देते हैं कि उनकी तरफ से यहाँ पर क्या घोषणा की गई है। तो देखिए कैप्टन के साथ साथ वे बिहार के छपरा संसदीय क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये उद्घोषणा उन्होंने की और इस उद्घोषणा को सुनकर सभी यात्री जो है वो रोमांचित होते हुए नजर आए।